Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to unbox and tell you the specification of my new camera, which is GoPro Hero 11. So maine ye camera Amazon se purchase kiya hai. So finally price kafi sahi aa raha hai abhi Amazon ke upar. To mere ko ye camera pada hai 39,900 rupees ka. To kareeban 40,000 mein GoPro 11 ek achhi deal hai. और अभी GoPro 12 भी लॉन्च होने वाला है, तभी इसकी प्राइस थोड़ी सी ठीक हो गई है अभी. तो फिर चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें कैमरे के अंदर क्या क्या मिलता है. और इस कैमरे से पहले मैं यूज़ कर रहा था SJKM का कैमरा, जो बहुत बेसिक था, SJKM SJ6 लेजेंड. तो फिर अभी मैंने अपग्रेड किया है अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में. तो चलिए इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है. सो इस कैमरा में आपको मिलेगा 27 मेगापिक्सल का सेंसर, जिसकी मदद से आप रिकॉर्ड कर सकते हो 5.3K एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड. और आप इसके अंदर 4K भी शूट कर सकते हो, 2.7K भी शूट कर सकते हो. और ये कैमरा फुल्ली वाटरप्रूफ है, इसको आप 33 फीट पानी के अंदर तक भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. और इस कैमरे के अंदर एक स्पेशल फीचर भी है वॉइस कंट्रोल का, जैसे कि जो मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊँगा. तो आप वॉइस कंट्रोल से भी इसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, जो काफ़ी इजी हो जाता है जब आप राइडिंग कर रहे हो. और इसके अंदर आपको स्लो मो मिल जाएगा 8x तक. और इसके अंदर आप टाइम रैप, जो कि टाइम लैप्स होता है, टाइम रैप 3.0 तक भी शूट कर सकते हो. तो ये GoPro आता है एक GoPro की केसिंग में, केसिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. तो आपको अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपने GoPro को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो चलिए इसको खोल के देखते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है. तो इस केस के अंदर हमें मिल जाता है GoPro Hero 11 ब्लैक, और इसके साथ हमें दो माउंट्स भी मिलते हैं, जो कि अगर आप हेलमेट पे या अपने व्हीकल के ऊपर कहीं भी माउंट कर सकते हो. और थोड़ी सी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप पढ़ लीजिए कि आप कैसे इस कैमरे को सेटअप कर सकते हो या फिर GoPro की ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हो. और यह कैमरा आता है टाइप सी चार्जिंग केबल के साथ, तो चार्जिंग केबल भी बैग के साथ दे रखी है, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा अपने GoPro को चार्ज करना. तो चलिए इस कैमरे को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैमरे को कैसे सेटअप करते हैं. इसके साथ ही हमें मिल जाती है GoPro की एंड्यूरो बैटरी. तो इस पैकेजिंग के साथ एक ही बैटरी आती है जो आपको कैमरे के साथ मिलेगी. अगर आपको एक्स्ट्रा बैटरीज चाहिए तो आप उसको एडिशनल बाय कर सकते हो अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से, जहाँ से भी आपको प्राइसेस ठीक लगें. तो चलिए इसकी मैं एक बार रैपिंग हटा देता हूँ और उसके बाद कैमरे को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ. सो इस कैमरा में आपको फ्रंट स्क्रीन भी मिलती है, तो ये कैमरा व्लॉगर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है. और तो फिर इसकी मदद से आप जो भी व्लॉग कर रहे हो वो स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हो. तो चलिए इसको मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ. इसमें छोटी छोटी मोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि GPS या लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा. और उसके बाद इसकी GoPro की क्विकर ऐप है, उसको हम एक बार अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद ही ये कैमरा सेटअप होगा और उसका आप रिकॉर्ड कर पाओगे कोई भी वीडियो. तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिए, और ये आप ईमेल या एप्पल आईडी आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो. तो आप अपनी मेल डाल लीजिए और कोई भी एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए. तो फिर उसके बाद आप GoPro की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इसके अंदर जाके. तो मैं अपना एक बार से जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद आपको कैमरा दिखाता हूँ. तो GoPro को अपने फ़ोन के अंदर कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना होगा, और उसके बाद ही आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो ऐप के थ्रू, सीधा आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा. तो उसके बाद कैमरा आपसे एक अपडेट मांगेगा, और आप वाईफाई से अगर कनेक्टेड हैं तो अपने कैमरे को अपडेट कर लीजिए, ताकि आपका कैमरा जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है GoPro का, सो वो आपका कैमरा अपडेट हो जाएगा, ताकि नए नए फीचर्स आपके फ़ोन में और जो फ़ोन की ऐप है या कैमरे में दिखा सकें. तो इसके साथ ही मैंने ऑर्डर किया है सैंडिस्क का 256 GB का क्लास 10 का मेमोरी कार्ड. और GoPro Hero 11 या GoPro की कोई भी आप सीरीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका
SD कार्ड क्लास 10 ही होना चाहिए एक स्मूथ डेटा ट्रांसफ़र के लिए। और इसकी प्राइस मेरे को पड़ी है 1550 रुपये, और इसको भी मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर किया था। सो गाइज़, अभी मैं आ गया हूँ GoPro को टेस्ट करने बाहर, तो चलिए इसको स्विच ऑन कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो कि सिर्फ मेरे को एक इशू आ रहा था कि जैसे कि वीडियो सिर्फ 1x पे बन रही है, इसके अंदर कोई 4K और 5.3K का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा, तो फिर उसके पास भी हीरो 11 ही है, सो फिर उसने मेरे को इस चीज़ का सॉल्यूशन बताया है कि जैसे कि आप ऊपर से राइट स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कंट्रोल्स का, तो आप इसको प्रो मोड में सेलेक्ट कर लीजिए इसके कंट्रोल्स को। सो उसके बाद ही आपको, जैसे कि अब आप देख सकते हो, तो आपको 5.3K और बाकी के सारे ऑप्शंस सिनेमैटिक वगैरह आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसके मैं कुछ सैंपल शॉट्स डाल देता हूँ वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। GoPro Hero 11 की एक डिटेल्ड वीडियो मैं अभी थोड़े दिनों में शूट करके अपने चैनल पे डाल दूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और फाइनली मैं अपने चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, सो थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया। और अब नेक्स्ट टारगेट रखेंगे 10K का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी आप कुछ सिनेमेटिक शॉट्स इन्जॉय कीजिए जो मैंने GoPro से लिए हैं।